हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। एंड मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, और आज की वीडियो इसके ऊपर है कि कैसे आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपनी लर्निंग और अर्निंग दोनों बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मैं 18 जून की बात करता हूँ, जिस दिन मार्केट एकदम क्रैश हो रहा था। उस दिन मैंने सिप्ला का बाय करने का दिया था 951 पे, और 964 का उसका टारगेट था। देखिए आप, टारगेट अचीव हो चुका था गिरते हुए मार्केट में भी। आप जानते हैं 18 जून को मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक था और गिरे ही जा रहा था। उसमें भी हमने बाय करवा के से इनफैक्ट बाय ही करवाए हमने। जितने भी शेयर्स 18 जून को भेजे थे सब बाय ही करवाए थे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये तो मैंने 1 मिनट का एनालाइज़ किया था। वैसे मैं कभी 1 मिनट के चार्ट को एनालाइज़ नहीं करता, तो फिर भी मैंने ट्राई किया था। इसमें ट्रेंड ब्रेकआउट के लिए मैंने बोला था कि चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर उसके एग्जैक्टली अगले मिनट में भेजते ही मैंने बोल दिया था कि ट्रायंगल मैंने नोटिस नहीं किया, इसलिए मार्केट नीचे जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रायंगल ब्रेक होते ही नीचे चला गया मार्केट। सो ऐसे आपको सीखने मिलेगा। और उसके बाद हमने फिर भेजा था, यहाँ ये देखिए मैंने लिखा है, कल मेरे कहने पर जिन्होंने पुट उठाए होंगे वो बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं, मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी बिगर टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट को देखे 17 तारीख को ही मैंने भेज दिया था नीचे। आप देख सकते थे कि मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है 18 जून को, ठीक है, और मार्केट एकदम 90 डिग्री के फॉल में नीचे गया था। फिर देखिए, अदानी पोर्ट का मैंने भेजा था कि बाय कीजिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, बाय कीजिए और प्रॉफिट करेंगे आप। और उसका मैं आपको भी दिखाता हूँ चार्ट। देखो, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जितना टारगेट था उतना तो अचीव किया ही, और उसका डबल का डबल ऊपर भी जा चुका था। एक्चुअली ये तो मेरा फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि मार्केट गिर रहा था इसलिए मैं सबको फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करवाने की प्लानिंग में था। वरना अगर मार्केट आज थोड़ा एक्साइटिंग होता तो मैं इनको प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा अच्छी करवा लेता। फिर देखिए, ये मैंने वन मिनट चार्ट को वापस से एनालाइज़ किया था कि मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। कितने पे मैंने, क्या प्राइस चल रही थी, 34133 पे मैंने शॉर्ट करने को बोला था बैंक निफ्टी, राइट, देख सकते हैं आप। और कुछ ही मिनट में 34133 से लेके 34046 का न्यू लो बना चुका था, मैंने मेंशन किया है। कुछ 6 से 8 मिनट में ये हो चुका था, ठीक है। ये सब मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, ये सब आपके सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। फ्री है ये ग्रुप, आपको मैं डिटेल्स भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च कर सकते हैं। ये देखो, मैंने फिर बैंक निफ्टी का भी बोला था। अभी आया कोटक बैंक पे, कोटक बैंक मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बोला था कि 1746 से बाय करो, 1765 जाएगा। देखते हैं हम चार्ट में चल के, 15 मिनट, नहीं 1 आवर का खोलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मैंने एनालाइज किया था ना, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम। देखो, ये चैनल में चल रहा था कोटक बैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं, जूम इन करके दिखाता हूँ। ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था जी। देखो जब भी प्राइस इधर आता था ऊपर जाता था, इधर इधर लाइन को टच करता था ऊपर जाता था। तो यहाँ पे लाइन को टच करके मेरे को लगा ऊपर जाने वाला है, तो मैंने भेज दिया 1744 पे बाय करवाया, 1767 का टारगेट, 1732 का स्टॉप लॉस। जैसे ही बाय करवाया था वैसे ही भाग गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ये सब फ्री है इसलिए आप फ्री में एंजॉय कीजिए।